अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कल मैंने आप लोगों को बोली थी क्या आसिफ, क्या बोली थी मैंने? हाँ, कि आज किधर जाने वाले। तो आज हम लोग किधर जाने वाले, तो आज है मेरी बहन के बेटे का निकाह। हाँ, मड्डो के भाई का, राज भाई का। आप लोगों ने उसके भाई को और उसकी जो दुल्हन है जो होने वाली, उसको आप लोगों ने देख चुके हैं मेरे ब्लॉग में पहले। बराबर। तो उन लोगों का आज निकाह है, और जैसे कि माशाल्लाह उन लोग ढाबे पे रखे हैं, बहुत सिंपल तरीके से मतलब कर रहे हैं उन लोग, है ना। हाँ, एकदम मतलब क्या बोलते हैं आसिफ, सुन्नत तरीके से। हाँ, एकदम सिंपल तरीके से मतलब एकदम निकाह कर रहे हैं ना। हाँ। तो उसी के लिए मैं आज यहाँ पर रेडी हो रही हूँ, और मुझे रेडी करने के लिए गजाला आई है। आप सब लोग जानते हैं कि मुझे कौन रेडी करता है, माशाल्लाह गजाला ही करती है, और बहुत ही अच्छा मेकअप करती है गजाला। आज भी देखते हैं मुझे कैसा लुक देगी, हर टाइम का लुक अलग होता है। और दूसरी बात, गजाला की आईडी में टैग कर दूंगी, तो आप इन लोग गजाला को फॉलो करना, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर देना, है ना गजाला। हाँ। क्या बोल रहे, तुम भी बोलो ना, बीच में नहीं बोलने का। चलो ठीक है, तो चले अभी अम्मी रेडी हो जाते, रेडी होने के बाद मिलते। तो कैसी लग रही हूँ मैं, जैसे मैं हमेशा पूछती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा लग रहा है आज का लुक मेरा। माशाल्लाह, एकदम लाइट मेकअप बोली थी गजाला को। ग्रेस कैसा लग रहा है, ब्लैक कलर का ये ड्रेस मेरी बहन ने मुझे दी थी। शादी थी ना जब ये मड्डो की, तो उसमें हम लोग ने देते है ना ऐसा रसम किए थे, तो ये बहन दी थी, तो बोली यही बनाकर पहन के आना। वही मैंने बनाई हूँ, पाकिस्तानी सूट, उसमें चप्पल ये मैचिंग कर ली मैंने। कैसा लग रहा है मेरा लुक, माशाल्लाह एक नंबर। मस्त एकदम बाल आइनिंग, स्ट्रेट लुक, मस्त। अभी काफी टाइम हो गया निकलने के लिए, बहुत लेट हो गया, बस अभी फटाफट से निकलते हैं हम लोग। हाँ। अभी तुम्हारे भाई आसिफ के डैडी चले गए गाड़ी साफ करने के लिए, और मेकअप को गजाला का माशाल्लाह, थैंक्स गजाला। मैं तुमको कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा हाथ मेरे फेस पे इतना अच्छा बैठा है ना, कि मैं बहुत ही खूबसूरत लगती हूँ, है ना। ऐसा तो लोग मुझे बोलते हैं कि आप खूबसूरत नहीं है। नहीं, कौन बोलता है, कौन नहीं बोलता आसिफ, नहीं आसिफ ही कमेंट करता, मुझे पता नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मैं दूसरे लोगों को देख के समझती हूँ वो लोग बहुत खूबसूरत है, मगर हम लोग के लिए तुम सबसे खूबसूरत है। अच्छा। और मुझे बहुत लोग बोलते है कि आप बगल मेकअप के भी बहुत अच्छे दिखते है, बहुत खूबसूरत दिखते है। शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, और मेरा आसिफ भी मेरी बहुत तारीफ करता है, और सब लोग तारीफ करते है मेरी, क्या आप सूरज से और दिल से रियल है तुम, जो तुम्हारे अंदर है वही तुम दिखाते हैं दुनिया को, कोई दिखावा नहीं, कोई फेक नहीं, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, इसलिए उनको सबको मेरी तरफ से लव यू। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं बस। और हाँ, मेहंदी किसने लगाया, मेहंदी लगाई है मुझे आलिया ने, तो आलिया की जो आईडी है ना गाइस, मैं आपको टैग कर दूंगी, है ना। हाँ। तो आप लोग वो बच्ची को फॉलो करना, लाइक करना, बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती है, हाथ में उसके फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी है, और कोन भी वही लेके आई थी, ये देखिए है ना, ये दुबई डिजाइन ने लगाई है मुझे। तो चलिए अल्लाह हाफिज, मुझे टाइम हो रहा है बहुत, मैं वहाँ पर जाके गाड़ी में आपसे बैठ के आराम से बात करूँगी। नहीं, वो तो चलने का टाइम आया ना, अभी ले गए ना बाद में। कैसे लग रहा है हम लोग, ब्लैक चाहिए, अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा है। हाय का, हाँ
अरे हम लोग आगे निकल गए थे ना, अच्छा हुआ एकदम आगे ही निकल गए। फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, थोड़ा पीछे दीजिए, पीछे ले लो। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام निकाह दिया जाता है। पीछे कर लेंगे सीन, ये पीछे कर लेंगे।
नमस्ते। मोबाइल मोबाइल थोड़ा पीछे। तो चलिए माशाल्लाह यहाँ पर निकाह भी हो गया। माशाल्लाह दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी भी पहना दिए और केक कटिंग भी हो गया। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ हमारे फुप्पा के साथ में कुछ बातें करने के लिए। तो अभी सुनिए आप लोग। और ये मेरा फुप्पा है, फुप्पा नहीं हमारे अब्बा है ना, बचपन से हम लोग इनके गोद में खेले बड़े हुए हैं। अल्लाह हमेशा आप लोग को खुश रखे, ये भी मेरी दुआ है खान साहब की। ये है हमारी फुप्पी, हमारे कलेजी का टुकड़ा, हमारी जान है ना। खुश रखे हमारी फुप्पी की, हमारे दादा दादी की। मुझे दुआ है अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ ये मुकाम पर पहुँचा दिए है ना। अम्मी बोलते रहते घर में भी कि दादी की दुआ है, बहुत दादी की एक दादा की दुआ है, अलग से बनाएगी तू। हाँ वो बात भी बनाऊंगी मेरे दादा दादी की। अरे गोद में तो खेले मेरे बच्चों बीर बहन लो, तो गोद में खेली, खेल कर बड़ी हुई। निप्पल निप्पल के लिए रोती थी और मलाई के लिए, और पुप्पी मेरे को प्यार से बहुत करती थी, मगर पीछे बाजू लेके जाके भी सोती थी आप लोग को भी खुश रखे, ये हम लोग की दुआ है आपसे। हमारे सर पे अल्लाह ताला ने माँ बाप तो ले लिए, मगर ये दो हमारे माँ बाप है, अल्लाह ताला इनका साया हमारे सर पे हमेशा बनाए। तो यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर लोग मिल गए, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा फ़ोटो वोटो शूट हो गया। उसके बाद में उन लोगों से मिलने के बाद में मैं गई हमारे राज से मिलने और राज की दुल्हन से मिलने के लिए, क्योंकि इतनी गर्दी हो गई थी कि मुझे मिलने के लिए मिला नहीं। फिर बाद में मैंने जाके उन दोनों से मिली। माशाल्लाह दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। गाइस आप लोग इन दोनों को बहुत सारी दुआएँ देना कि अल्लाह ताला इन लोगों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, इन दोनों में प्यार एकदम बरकरार रखे, है ना। आमीन आमीन। आप लोग सब हर एक को, हर एक दूल्हा दुल्हन को, हर एक जोड़ी को दुआ हमेशा देते रहना।
बस फिर यहाँ से इन लोगों से हम लोग मिले जुले, थोड़ी बातें किए, थोड़ी दुआएं दिए इन लोगों को। उसके बाद में फिर हम लोग खाना खाने चले गए, मगर यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह चालू था। माशाल्लाह राज और राज की दुल्हन दोनों के चेहरे पे अच्छा खासा नूर आया था। उसके बाद में हम लोग आ गए खाना खाने के लिए, तो यहाँ पर हमारे साथ में मैं समीर बैठा था, साथ में हम लोग सब, यहाँ पर स्टार्टर था और खपसा राइस था, है ना, तो ऐसा कुछ रखे थे। ये कुछ अभी आजकल का फैशन हो गया है, जैसे मतलब शादी खाना, मगर माशाल्लाह इन लोगों ने अच्छे से सुन्नत तरीके से शादी की है, है ना आसिफ? इसको मेरे ब्लॉग में देखो, ये मेरा बेटा है, चलो भाई आता हूँ।